आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में। अगर इसके प्रीवियस क्लोज की तरफ सबसे पहले नज़र देते हैं तो लगभग 1020 का आपका प्रीवियस क्लोज दिख रहा है, तो शानदार तरीके से इसकी शुरुआत तो हुई थी लगभग 1025 के आसपास से, लेकिन शुरुआत में बहुत सारे शेयर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है। शुक्रवार को 10 बजे के करीब इसमें गिरावट आई थी जो अपर बॉटम के लेवल तक ही था। अब यहाँ से उसने बहुत अच्छा ट्रेड करने की कोशिश की और दो मीडियन के बीच में इसने ट्रेड किया और पूरे फ्लक्चुएशन के साथ, क्योंकि स्टेबिलिटी कहीं नज़र नहीं आ रही है। और ये ट्रेड लगभग चला आपके 2 घंटे के आसपास, 2 से 2.5 घंटे के आसपास, और फिर जाके यहाँ पे गिरावट हमने दर्ज देखा है। लगभग ये दो मीडियन फिर बन गया था लगभग 1025 और 1020 के दरमियान। अब यहाँ से इसमें और एक गिरावट हमको नज़र आती है, कुल मिला के 3 गिरावट सिर्फ 1.5 घंटे में देखी, और ये गिरावट बिल्कुल समान है। देखेंगे तो पूरी तरीके से सेम गिरावट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब ऐसे बहुत रेयर होता है और ऐसे समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और डाउन ट्रेड होने के बहुत ज़्यादा आसार है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? आप अगर इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका निवेश इसमें कितना होना चाहिए, क्या टारगेट आपका होना चाहिए? तो सीधा सीधा टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ पे 1150 का। जी हाँ, 1150 का आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए जो 2 महीने के लिए होगा। 5 साल की बात करते हैं तो पिछले 5 साल तक इस कंपनी ने आपको 181% का रिटर्न बुक करवा के दिया है, तो उसके हिसाब से सीधा सीधा आप यहाँ पे एक 2800 का टारगेट आप रख सकते हैं अगले 3 साल के लिए, जो आपका पूरा हो भी जाएगा।